Hello students, let's start today's class and then chapter I'm going to revise chapter motion. Okay, now what is the motion? Motion, it means सबसे पहला कुछ points हैं इससे related chapter के. What is the motion? क्या होता है motion? It means when object position change with respect to a reference point. किसी एक particular point से अगर हम ये compare करते हैं कि एक object की position चेंज होती है या नहीं होती है. ठीक है, सो द पॉइंट फ्रॉम विच वी कंपेयर द ऑब्जेक्ट पोजिशन चेंज और नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज अ रेफरेंस पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की पोजिशन चेंज हो रही है इट मीन्स ऑब्जेक्ट मोशन में है, अदरवाइज वो किस में है, रेस्ट में. सपोज दैट दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट है, लाइक ट्री है, लाइक समथिंग, बस स्टॉप है, कुछ भी हो सकता है. ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, अगर हम इस पॉइंट से कंपेयर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगले सेकंड में, उससे अगले सेकंड में, अगले सेकंड, नेक्स्ट हर टाइम देखता जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट अगर यहां से यहां सरक के आ गया इट मीन्स उसकी पोजिशन क्या हो गई, चेंज हो गई. इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट मोशन में, अदरवाइज वो किस में माना जाएगा, रेस्ट में. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे मेन टॉपिक चालू होता है वॉट इज अ डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो है, देखिए यहाँ पर दो वर्ड और आएंगे, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हम केवल मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू को कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन की कोई रोल नहीं है वहां पर. ठीक है, डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है. सो दिस टाइप ऑफ क्वांटिटीज, दीज आर कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटीज. ठीक है, जहां पर हम डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं विद द मैग्नीट्यूड, सो सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटीज. क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी. सपोज दैट कि हमने कहा कि 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 5 मीटर कपड़ा लेने में हमें कोई वहां पर डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, इट मीन्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. कैसी है वो? स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, हम जा रहे हैं किस डायरेक्शन में, डिस्टेंस कवर की है, वो एक आपकी कैसी है, डायरेक्शन मैटर करेगा वहां पे. सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली कि कितनी डिस्टेंस आपने कवर करी, कितना चले आप. सो यहां पर केवल मैग्नीट्यूड कंसिडर होता है, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एस. कैपिटल एस रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर एरो से रिप्रेजेंट करेंगे. दूसरी बार, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि एक्चुअल पाथ लेंथ है कि आप कितना पाथ कवर कर रहे हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट पाथ, एक शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन. ठीक है, डिस्टेंस, सपोज दैट कि एक ऑब्जेक्ट यहां से आ गया, ये स्ट्रेट पाथ है, इस पॉइंट से भी पॉइंट पर आ गया, तो इस समय इसका माना 10 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर करी, तो ये इसका डिस्टेंस एक्चुअल पाथ हो गया, और इस समय इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है. तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो द डिस्टेंस गैप बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो यहां पर ये इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी बराबर है. सो वी कैन से डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा व्हेन ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ स्ट्रेट पाथ. ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट किस पाथ पर मूव करता है, स्ट्रेट पाथ पर. जब वो एक स्ट्रेट पाथ पर रहता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं. मान लीजिए मैं कहूं कि और बढ़ गया, आ गए बी से सी पर, आ गया 10 मीटर और चल लिया, तो अगर वो सी पर आ गया 10 मीटर और कवर किया, इसका मतलब उसका डिस्टेंस क्या है, 20 मीटर हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी 20 मीटर हो गया, यानी डिस्टेंस बराबर भी हो सकता है. ठीक है, और पॉजिटिव क्या है, डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल हो सकता है उसके, और नेगेटिव हो सकता, नेगेटिव बी में जाता है. ठीक है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती, उसके बराबर होती है या उससे कम होती है. मान लीजिए मैं कहूं कि ये बैक आ गया, इतने पॉइंट पर वापस आ गया, बी पॉइंट पर वापस आ गया, तो अब इस समय इसका डिस्टेंस क्या है, 20 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 10 उसने कम कर दिया. ठीक है, देखिए अब वो मैंने क्या कहा कि यहां से बी पर गया, बी से सी पर गया, उसके बी पर वापस आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना है, 10 वापस चल के आया, 30 हो गया, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, कम हो गया ना, क्योंकि 10 वापस आ गया, तो 10 बचा, इनिशियल ये है और फाइनल ये है इस समय इसका. ठीक है, ये जो गैप है ये है आपका, इसका डिस्प्लेसमेंट काउंट होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में जा सकता है, यानी वैल्यू कम हो सकती है, और डिस्टेंस के बराबर हो सकती है, और जीरो भी हो सकता है. मान लो ये पॉइंट बिल्कुल ऑब्जेक्ट यहां से रिटर्न होकर इसी पॉइंट पर आ गया, अब इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, इट मीन्स यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो. सो वी कैन से डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, बढ़ता ही है. अगर मैं मान लो कहूं ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, फिर वापस आ गया, तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस उसने कवर अप किया, तो आप देख रहे हैं 10 + 10 20, और 20 वापस आया, 40 हो गया,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है कभी भी आपका क्या नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में रहता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है या तो डिस्टेंस के इक्वल होता है या फिर वो रिड्यूस हो जाता है उसकी वैल्यू, यानी जब नेगेटिव में चला जाता है या फिर जीरो हो सकता है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड पॉइंट हुए। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इससे इससे पॉइंट्स से रिलेटेड पॉइंट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन हो चाहे स्पीड हो, एक ही बात है, चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। ठीक है, ये एक ही पॉइंट है। इनसे पहले कुछ डिफाइंस मैं कंसीडर कर देती हूँ, फिर इनको कंसीडर करेंगे। पहले, सबसे पहले दो डिफाइन हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी की, इनको देखते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले ये देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड इज डिफाइंड, स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, और वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वी कैपिटल वी। एंड आपके पास ये स्केलर क्वांटिटी, दिस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। तो इसके ऊपर आप एरोसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात यह है कि स्पीड जो है मीटर, इनकी वैल्यू जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब स्पीड जो है क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम कि एक ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम में, पर सेकेंड में, पर आवर में, ऐसे। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो वी कैन से स्पीड विद डायरेक्शन, अगर हम स्पीड को डायरेक्शन के साथ इंक्लूड कर दूं, व्हेन द स्पीड इज इंक्लूडेड विद डायरेक्शन, देन द टर्म इज कॉल्ड वेलोसिटी, क्या कहलाता है, वेलोसिटी। सपोज डिस्टेंस को अगर डायरेक्शन के साथ इंक्लूड कर दूं, देन द टर्म इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि कहूं मैंने कहा 5 मीटर चले ईस्ट में, तो 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चले, इट मीन्स कि वो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रही हूं, तो 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, इट मीन्स कि डायरेक्शन इंक्लूड हो गई, सो द टर्म इज कॉल्ड वेलोसिटी कहते हैं, यानी इट मीन्स कि 5 मीटर पर सेकंड इट इज योर वेलोसिटी। तो यहां पर डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम कहलाता है। अब देखिए स्पीड में क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस इंक्लूड हो रहा है, सो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ना नेगेटिव होता है ना जीरो होता है, सो वी कैन से स्पीड इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट इंक्लूड कर रहा है, इट मे बी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, बराबर होता है, तो आपकी जो वेलोसिटी है मे बी नेगेटिव में भी जा सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो वेलोसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी नेगेटिव में चला जाएगा। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट वेलोसिटी में भी नेगेटिव और जीरो हो सकती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, यानी इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ये हमेशा बढ़ता है, ये बढ़ता भी है, घटता भी है, जीरो भी सकता, तीनों कंडीशन यहाँ पर इसके लिए लागू होती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट है कि ये हमारा तो ये हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस, ये तो मैंने आपको बताया दी फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो अब ऑब्जेक्ट कितना पर्टिकुलर डिस्टेंस या कितना पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम में, तो इसके लिए हमारे पास जो है फॉर्मूला है, देखते हैं इससे। नेक्स्ट है आपके पास यूनिफॉर्म, अब इससे कुछ कंसिडर पॉइंट करते हैं, पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन हो चाहे यूनिफॉर्म स्पीड हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक ही बात है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन पूछा जाए या यूनिफॉर्म स्पीड पूछी जाए या यूनिफॉर्म वेलोसिटी पूछी जाए, एक ही बात है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, एक समान, जो चीज चेंज ही नहीं हो रही, एक समान वैल्यू के साथ, यानी कांस्टेंट वैल्यू है। तो यानी कांस्टेंट मोशन है, कांस्टेंट स्पीड है, या कांस्टेंट वेलोसिटी, कुछ भी याद है, एक ही बात है। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, देख रहे हैं स्पीड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास डिफाइन हो गई ऑब्जेक्ट कवर, अगर आपसे पूछा जाए यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, तो आप बताएंगे व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द मोशन विल बी यूनिफॉर्म, मोशन और स्पीड विल बी यूनिफॉर्म, उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, एक ही बात है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाए तो बस वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का वर्ड काउंट होता है, तो आप डिस्टेंस की जगह क्या बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो आपका डिफाइन हो गई एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब एक ऑब्जेक्ट कवर करता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो द
सो द मोशन, सो द वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी. क्या कही जाती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है या इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. सपोज मैं कहूँ कि 5 मीटर कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ जा रहा है, कवर कर रहा है, यानी पहले सेकंड में 5 मीटर, अगले सेकंड में 10 मीटर उसने कवर करी, फिर अगले सेकंड में 15, अगले सेकंड में 20, यानी हर बार वो 5 कवर कर रहा है. ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है, यानी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ वो आगे कवर अप हो रहा है. इट मीन्स क्योंकि आगे हर कांस्टेंट वैल्यू के साथ कवर हो रहा है, इट मींस उसकी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में क्या हो रही है, कांस्टेंट है. सो वी कैन से, अब देखिए पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 10 मीटर तक आगे बढ़ा, यानी गैप तो 5 का ही है, यानी 5 मीटर से वो आगे बढ़ रहा है. तो यहां पर मैं देखूं तो स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड. अगर इन दोनों के केस में देखूं तो तब भी आपके पास कितनी आएगी, 5 से आगे बढ़ा तो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड, 5 से आगे बढ़ा यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड. आप देख रहे हैं स्पीड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है. सो वी कैन से व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन. क्या कहलाता है वो, यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक ही बात है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो या स्पीड हो या वेलोसिटी हो, एक ही इनकी डिफाइन सेम रहेंगी आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब नॉन कांस्टेंट वैल्यू, यानी जब वैल्यू चेंज हो रही है. सपोज दैट कि यानी ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस लें या डिस्प्लेसमेंट है, एक ही बात है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर वो कवर करता है, सो द मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म या स्पीड विल बी नॉन यूनिफॉर्म और वेलोसिटी विल बी नॉन यूनिफॉर्म, एक ही बात है. वेलोसिटी में आप बताएंगे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है. ठीक है, तो अब आपके पास हो गया सपोज दैट कि मतलब उसकी डिस्टेंस हर बार मतलब कम और ज्यादा हो रही है. जब कम और ज्यादा होगी इट मीन्स कि उसकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी. सपोज मैंने कहा पहले सेकंड में 5 मीटर वो कवर करता है, अगले सेकंड में वो 12 मीटर कवर करता है, अगले सेकंड में वो कहाँ तक गया, 5, ठीक है, और फिर अगले सेकंड में 17 तक गया. इट मीन्स पहले इसमें 5 मीटर डिस्टेंस उसने कवर करी तो स्पीड हो गई पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, अगले में गया 5 से 12 मीटर तक पहुंच गया, यानी 12 और 5 में कितने का डिफरेंस हो गया, 7 मीटर उसने कवर कितना किया, 7 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया, यानी इसकी स्पीड हुई 7 मीटर. ठीक है, 12 तक पहुंचा, इट मीन्स कि वो 12 मीटर उसने कवर किया, 5 से आगे गया 12 मीटर तक, यानी उसने कितना चला, 7 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया. ठीक है, फिर उसके बाद 12 और 5 17, यानी वो सिर्फ 5 मीटर आगे चल के 17 मीटर पर पहुंचा है, तो उसकी यहाँ पर स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड, और 17 के बाद पहुंचा 25 पे. ठीक है, तो अब इसके बाद हो गया हमारे पास 25 पे पहुंचा, तो आप देख लेंगे कितना डिफरेंस आ गया, 8 का डिफरेंस आ गया. ठीक है, 8 यानी 17, 8 मीटर कवर करके 25 मीटर पर पहुंच गया, इट मीन्स उसकी डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, 8 मीटर की डिस्टेंस और कवर करी, तो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई. यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, 8 मीटर पर सेकंड में, तो स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो इट मीन्स कि क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यही मान लीजिए अगर मैं स्ट्रेट लाइन में चल रहा है. ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन है, तो एक ही बात है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह लें. ठीक है, एक ही बात है, तो आपका अलग अलग नॉन कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ आगे बढ़ रहा है, इट मीन उसकी जो स्पीड है या उसकी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एवरेज स्पीड के लिए. एवरेज स्पीड क्या कहती है, टोटल डिस्टेंस इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस इन टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगता है, टोटल डिस्टेंस इन टोटल टाइम टेकन, या एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी सेम पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी, तो एरो लगा देंगे. ठीक है, तो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज अ टोटल डिस्टेंस इन टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम टेकन. ठीक है, ये हमारे पास इसका रेशियो आता है, और टोटल डिस्टेंस अब उसने कितना कवर अप कर रहा है. ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम कैसे इसमें फाइंड आउट करेंगे, सपोज दैट कि हमारे पास एक 100 मीटर की डिस्टेंस कवर की उसने 5 सेकंड में, और अगली 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करी 7 सेकंड में, तो बताइए उसकी होल ट्रिप पे 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है, तो उसकी होल, देखिए पहले 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करी 5 सेकंड में, अगले 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करी 7 सेकंड में, तो होल ट्रिप पे उसकी एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो आपके पास हो गया
टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी ले रहा है, 200 डिवाइडेड बाय कितना टाइम ले रहा है, 12 सेकंड का। तो आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। सेम पॉइंट आपका एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम टेकन। तो आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये आपकी इनिशियल और ये फाइनल पोजिशन है इस केस में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यही हो गया 100 मीटर का। अब आगे बढ़ा तो आपका कितना है, ये फाइनल पोजीशन है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से आगे बढ़ा तो ये इनिशियल पॉइंट और ये इसका फाइनल पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से आगे बढ़ा है तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका कैसा है, फाइनल पोजीशन है। अगर ये फाइनल पोजीशन है तो यहाँ से यहाँ तक का जो कवर अप कर रहा है वो केवल कितना कर रहा है, 100 मीटर का। तो इस समय जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया 100 मीटर का, कितने सेकंड में लिया, 7 सेकंड में। तो बात वही है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन माय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट पहले 100 है, 100 डिवाइडेड बाय 5 सेकंड, और फिर एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ गई टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लिया देखेंगे, पहले इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो कितना हो गया, 100 डिवाइड प्लस दूसरे बार में भी ये इनिशियल और ये फाइनल है, तो यानी ये 100 हो गया डिवाइड बाय कितना है, 5 प्लस 7, यानी टोटल इसको सॉल्व करेंगे 200 डिवाइड बाय 12। तो आपके पास आ गया इतना आंसर, ये आ गई एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो इस टाइप से आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास आता है नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन, ये हो गया आपका नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिए अगर वो मान लो एक और फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, कि अगर मानो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हो रही है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, तो आप कैसे करेंगे, माना ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस बाय एट ए यूनिफॉर्म रेट। माना यूनिफॉर्म रेट पर वेलोसिटी चेंज, पहले 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और फिर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हो गई। तो आप लगाएंगे इसमें फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है और ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। जब यूनिफॉर्म रेट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस व्हेन यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हो रही है, 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड पे आ गया, ठीक है। तो उसकी यूनिफॉर्म रेट पर वेलोसिटी चेंज हुई, देन एवरेज वेलोसिटी विल बी फाइंड आउट यू प्लस, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी कंसीडर होगी, डिवाइड बाय 2, तब इसे निकालेंगे इसकी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है कि देखिए नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एरो से रिप्रेजेंट करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब था चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम चेंज इन वेलोसिटी। चेंज का मतलब मान लीजिए सपोज दैट मैंने मैंने एक ऑब्जेक्ट है इसको पुश कर दिया आगे और ये सड़क के यहाँ पहुंच गया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने पुश करा और ये इसकी यहाँ पर आ गई, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, यहां से आ गया तो वेलोसिटी कुछ एक्वायर की, यानी वेलोसिटी चेंज। जिस समय यहाँ जो वेलोसिटी इस पोजिशन पर थी वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी में काउंट होगी, जब इसको पुश करके आगे पहुंचा तो इसने जो वेलोसिटी एक्वायर की दैट इज अ फाइनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी काउंट होगी, फाइनल वेलोसिटी। इट मींस यहां से यहां तक जाने वेलोसिटी में चेंज आया, एंड दैट इज द एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में चेंज आया। सो वी कैन सी दिस इज द फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर यूनिट टाइम यानी देखिए एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ था, हमने इसको पुश कर दिया और यहाँ पहुंच गया, इट मीन्स उसने कुछ वेलोसिटी तो यहाँ पर थी, जो भी थी रैश में थी या जो भी थी, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, हमने इसको जब पुश किया और इसने आगे बढ़ाया तो इसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर की, दैट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। सो वेलोसिटी में चेंज आया, सो दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी, कितने टाइम में आया, पर यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो वी कैन से फॉर्मुला इज दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज द फॉर्मुला। चेंज इन वेलोसिटी जब भी चेंज निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, नहीं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे यू से, डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी, इसकी यूनिट देखेंगे, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो ये जो ऐसे वो नीचे आ जाएगा, तो यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ms-2, ठीक है, ms-2 में भी लिख सकते हैं, ये हो गया। अब देखिए वेलोसिटी क्या होती है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, हमेशा वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन देख रहे हैं, सिर्फ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अब यूनिफॉर्म रेट पर हो रही है या नॉन यूनिफॉर्म रेट पर है, नो मैटर, यहाँ पर सिर्फ वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जब बढ़ती है, माना 5 से 7 आ गई, 5 मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, 5 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड, एवरी टाइम इंक्रीज हो रही है, ठीक है। व्हेन वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीज, दैट इज द एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, हमेशा एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा,
पॉजिटिव एक्सेलरेशन माना जाएगा। अब मान लो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, माना कि एक ऑब्जेक्ट चल रहा है वो उसकी टक्कर लगाई और रुक गया, ठीक है। ऑब्वियसली जब किसी चीज से टक्कर लगी तो वेलोसिटी डिक्रीज तो होगी, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है, माना एक ऑब्जेक्ट कार चल रही है उसने अचानक से ब्रेक लगाए तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो यानी उस समय नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जब वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है दैट इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है, ये अपन नेगेटिव एक्सीलरेशन। सीधी सी बात है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, माने एक ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है और टकरा गया, यहाँ से यहाँ टकराया, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हुई, कम हो गई। टकराएगा तो कम हो जाएगी, देखे ये चल रहा है, यहाँ पर उसकी कुछ वेलोसिटी थी, जिस वेलोसिटी से चल रहा था वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, अब वो टकरा गया उसकी वेलोसिटी कम हो गई। इस पॉइंट पर जब वो टकराया तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसकी कौन सी है, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो यानी वेलोसिटी में चेंज आया, सो दैट, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है यहाँ पर, सो दैट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। अब मान लो वो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, हर बार वो एक ही वेलोसिटी चल रहा है, नो चेंज इन वेलोसिटी, यानी जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही इट मींस कांस्टेंट वेलोसिटी है, ऐसे टर्म में हम इसको क्या कहेंगे, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, माना पहले सेकंड में भी वो चला 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, फिर वो चला 5 मीटर पर सेकंड इन एवरी सेकंड, पहले सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, हर बार एवरी सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है, यानी वेलोसिटी नो चेंज, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यानी सेम वेलोसिटी है, दैट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मान लो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से थी, इस समय ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी, तो देखेंगे जीरो आ जाएगा, 5 में तो फॉर्मूला हो गया ए इज इक्वल टू वी माइनस यू कॉन टी लगाएंगे, देखिए पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड थे, तो दो कंडीशन में इसकी वेलोसिटी क्या है इन दो पोजीशन पर, तो यहां पर भी इनिशियल वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकंड है, जब इस पॉइंट को कंसीडर किया तो यहां पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, ये फाइनल वेलोसिटी कंसीडर हो गई। तो आप देखें फाइनल वेलोसिटी वी 5 है, ये फाइनल है, और ये इनिशियल ये भी 5 है, डिवाइडेड टाइम पर सेकंड का है 1 सेकंड का, तो जो 0.1 यानी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो वी कैन से व्हेन द वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम, सो वी कैन से व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है द एक्सीलरेशन विल बी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन विल बी पॉजिटिव, क्या कहलाता है उसका, एक्सीलरेशन पॉजिटिव कहला रहता है, ठीक है, समझ रहे बात। नेक्स्ट आगे जाते हैं, अब मानो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, अब मान लीजिए यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, देखते हैं डिक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, ठीक है, डिक्रीज होना जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है दैट इज अ रिटार्डेशन, इसको कहते हैं रिटार्डेशन, वेलोसिटी का डिक्रीज होना, दैट टर्म जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन कहलाता है, ठीक है, रिटार्डेशन, इसको दूसरी फॉर्म में कहते हैं डिसीलरेशन भी कह लेते हैं। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है यूनिफॉर्म रेट पर, माना 10 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड ऐसे डिक्रीज, देख रहे हैं हर बार 2 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट पर डिक्रीज हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस है एवरी टाइम, यहाँ पे 2 मीटर नहीं, यूनिफॉर्म रेट पर, यानी वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय वेलोसिटी डिक्रीजेस हो रही है, कांस्टेंट तो नहीं है लेकिन वेलोसिटी जो है आपकी डिक्रीज हो रही है एट एवरी टाइम, सो द टर्म इज कॉल्ड रिटार्डेशन, दैट इज द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये यहाँ पर रिटार्डेशन कैसा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, ठीक है, ये हमारा वर्ड हो गया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अगर मैं मान लो इसको कहूँ कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस, अब यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, देख रहे हैं यूनिफॉर्मली रेट पर इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पर अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो आपके पास आ गया यूनिफॉर्म रेट पर जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड आई, फिर 6 मीटर पर सेकंड हो गई, और फिर क्या हुई आपकी 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ऐसे देख रहे हैं हर बार 2 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही है वेलोसिटी, बढ़ा रहा है 2 मीटर पर सेकंड चला, फिर 4 मीटर पर सेकंड चला, फिर 6 मीटर पर सेकंड चला, ऐसे वो इंक्रीज कर रहा है अपनी वेलोसिटी, इंक्रीज हो रही है बट यूनिफॉर्म रेट पर, सो दैट इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दिस व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, दैट इज द यूनिफॉर्म रेट पर आगे बढ़ रही है, सो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीजेस, द वेलोसिटी इंक्रीज होती है लेकिन इंक्रीज कैसे हो रही है, यूनिफॉर्म रेट पर इंक्रीज हो रही है, दैट इज द यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन, क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म पॉजिटिव
एक्सलेशन। ठीक है, अब हमारे पास आता है नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या होता है ये इसके बाद, तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन नाम से पता चल रहा है, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सलेशन, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगी, यानी वेलोसिटी डिक्रीजेस नॉन यूनिफॉर्मली। नॉन यूनिफॉर्मली मतलब नॉन कॉन्स्टेंट रेट पर, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज होनी है वेलोसिटी। अब जैसे सपोज दैट कि हमारे पास वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड से सीधी 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कर दी, और 15 से सीधी कितनी कर दी, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 8 मीटर पर सेकंड सीधी, 8 से 8 मीटर पर सेकंड से सीधी 1 मीटर पर सेकंड, समझ रहे बात। देखिए नॉन यूनिफॉर्म रेट पर डिक्रीज हुई, 25 मीटर पर सेकंड से चलाया, 15 मीटर पर सेकंड में कितने का डिफरेंस डाल दिया, 10 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आया यहाँ पर, 15 से 8 7 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस डाला, और फिर 8 से 1 कितने का आया, फिर 7 मीटर पर 2 कर देते हैं, 8 मीटर कितने का डिफरेंस आया, 6 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस डाला, यानी नॉन यूनिफॉर्म रेट पर डिक्रीज हुई वेलोसिटी डिक्रीजेस, बट सो इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, बट इट डिक्रीजेज एट द नॉन यूनिफॉर्म रेट, नॉन कॉन्स्टेंट वैल्यू पर डिक्रीज हो रही है, सो दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्या कहलाता है ये, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ्स हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास यहाँ पर मैंने डिटेल में करा रखे हैं नोटबुक में, लेकिन आपको सिंपल तरीके से देखना है। पहले लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, अगर ये वाला ग्राफ है तो एक ही बात है, डिस्टेंस रखेंगे वाई एक्सिस पर, टाइम को रखेंगे एक्स एक्सिस पर। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट रख देंगे हम वाई एक्सिस पर, टाइम को रख देंगे एक्स एक्सिस पर। तो चाहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, इट ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप रिप्रेजेंट, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, इसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए जो स्लोप होगा वो रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड को रिप्रेजेंट कराएगा, फिर आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट कराएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन माय टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये याद रखना है। तो अब हमारे पास तीन कंडीशन यहाँ पर है, पहली कंडीशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अब मैं एक कंसिडर कर रही हूँ, एक ही बात है दोनों के लिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो वेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, देखिए आप देख रहे हैं लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, यानी डिस्टेंस समय से क्या हो रही है, बढ़ रही है, सो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। वेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, यानी इक्वल डिस्टेंस के साथ वो आगे बढ़ रहा है, ये नहीं है कि एक ही जगह रुका हुआ, इक्वल डिस्टेंस के साथ आगे बढ़ रहा है। मैंने पहले सेकंड में 5 मीटर कवर करता है, दूसरे सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले सेकंड में 15 मीटर, इक्वल डिस्टेंस कवर अप करता है हर बार और आगे बढ़ जाता है, तो यानी ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। दूसरी कंडीशन आती है एक ये कर्व लाइन आता है, ठीक है, ये कर्व लाइन है यहां से, यहां पर क्या होता है कि ग्राफ जो है नॉन इसमें ग्राफ यहाँ पर, ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है कि जो आपकी जो है डिस्टेंस होती है नॉन यूनिफॉर्म रेट पर, जो है ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, यानी अब आपका जो डिस्टेंस है नॉन यूनिफॉर्म रेट के साथ बढ़ रही है, डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्म रेट के साथ बढ़ रही है, देखिए ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है, डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रही है, ऐसे ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ रही है, लेकिन कैसे बढ़ रही है, नॉन यूनिफॉर्म रेट पर बढ़ेगी, यानी माना कभी 10 मीटर से चल लिया, फिर थक गया वो 8 से चल लिया, हो सकता है फिर 2 मीटर पर 2 मीटर ही कवर किया, तो ऐसे उसने डिस्टेंस कवर करी, यानी नॉन यूनिफॉर्म रेट पर वो डिस्टेंस कवर अप करके आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इट मींस द ग्राफ विल बी एक कर्व लाइन, कैसा हुआ, ग्राफ आपका कर्व लाइन है, सो स्पीड विल बी यहाँ पर जो स्पीड होगी वो नॉन यूनिफॉर्म, जब ग्राफ कर्व लाइन आएगा स्पीड विल बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इस केस में हाँ ये इसमें ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये ग्राफ ऐसे जा रहा है तो आप देखेंगे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव स्लोप है और इसका नेगेटिव स्लोप है, इस केस में क्या है, स्पीड डिस्टेंस जो है स्पीड क्या डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, यहाँ पर डिस्टेंस नीचे आ रही है, यानी घट जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, देखो डिस्टेंस जो है इसमें क्या होगी, घटेगी, इट मीन्स कि वो तो ये देखिए ये आपका जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है, और ये आपका जो ग्राफ है वो आपका नॉन सॉरी ये भी आप ये आपका जो ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का है। ठीक है, और यहाँ पर इस केस में स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर इस केस में स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो रही है, ये स्पीड डिक्रीज हो रही है, जब स्पीड डिक्रीज होगी तो ग्राफ जो होगा नेगेटिव स्लोप के साथ बनेगा, नेगेटिव स्लोप आएगा, नेगेटिव स्लोप, जैसे देखिए
जिसे मैंने आपको करा रखा कॉपी में, व्हेन द, ये देखते हैं दो है हमारे पास कंडीशन, व्हेन द स्पीड इंक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आपकी स्पीड बढ़ती है ठीक है, कैसे बढ़ रही है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए है ग्राफ आपका, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है आपकी, ये देखिए चल रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए दिखाना है, यानी नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि स्पीड चाहे बढ़े या घटे जो भी है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रेट पर बढ़े, कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ नहीं बढ़ानी है। तो यहाँ देख रहे हैं दो केस चलेंगे, एक तो स्पीड इंक्रीज हो रही है और ठीक है, और एक में स्पीड डिक्रीज हो रही है लेकिन नॉन कांस्टेंट वैल्यू के साथ होगी, स्पीड बढ़ेगी भी नॉन कांस्टेंट वैल्यू के साथ, घटेगी भी नॉन कांस्टेंट वैल्यू के साथ। तो पहला केस है स्पीड इंक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्पीड बढ़ रही है ठीक है, तो पहले नॉन कांस्टेंट वैल्यू है, पहले सेकंड में 2 मीटर, दूसरे सेकंड में 5 मीटर, तीसरे सेकंड में 9 मीटर, तो आप देख रहे हैं स्पीड जो है बढ़ रही है नॉन कांस्टेंट वैल्यू के साथ बढ़ेगी, नॉन कांस्टेंट वैल्यू, तो ग्राफ आ रहा है ऊपर से के साथ। दूसरा ग्राफ देखते हैं यहाँ पर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है आपका एक कर्व लाइन विद द नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप के साथ आएगा जब व्हेन द स्पीड डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्पीड डिक्रीज होगी, स्पीड यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अब क्या देखेंगे, पहले सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहा है ठीक है, दूसरे सेकंड में वो कर रहा है जो 16 मीटर तक पहुंचा, तो देखिए पहले सेकंड में 10 मीटर कवर किया लेकिन दूसरे सेकंड में कितनी कवर करी है, 4-6 का डिफरेंस है, ये 6 मीटर चला, अगले सेकंड में 16-3-19, 3 मीटर ये आगे बढ़ा है, डिस्टेंस जो है कम कवर कर रहा है, जब डिस्टेंस कम कवर होगा तो इसकी स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी, 14 सेकंड में वो 21 मीटर चला, 21 मीटर तक पहुंचा है, 2 ही मीटर चला, और फिर अगले सेकंड में वो 22 मीटर तक ही पहुंचा, यानी वो 1 ही मीटर चला, यानी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, ओब्वियसली डिस्टेंस कम कवर करेगा और स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ग्राफ आपका क्या बनेगा, इस तरह से नेगेटिव स्लोप के साथ बनेगा। तीन दो कंडीशन हो गई, तीसरी कंडीशन हमारे पास आती है, थर्ड कंडीशन है कि जब डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रही, वो एक ही पोजिशन पर खड़ा है, एक पॉइंट है, माना ये यहाँ से लेके 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो वो अगले सेकंड में 5 है, अगले सेकंड में 5 है, अगले सेकंड में नेक्स्ट सेकंड में 5 है, यानी वो चेंज नहीं हो रही, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन फॉर दिस कंडीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट पोजीशन डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, वो किससे माना जाएगा, रेस्ट में माना जाएगा ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेलोसिटी इज टेकन ऑन द एट द वाई एक्सिस एंड टाइम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर देखते हैं तीन कंडीशन, सबसे पहले यहाँ बनेगी, पहला ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी को इंक्रीज करना है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कंसीडर होगा केवल। तो यहाँ देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस टाइप से है, ये याद रखेंगे, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म रेट पर वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का चेंज होना, यानी वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन इस केस में जो एक्सेलरेशन कंसीडर किया जा रहा है दैट इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि यानी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ इंक्रीज हो रही है, हमेशा वेलोसिटी इंक्रीज होगी कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ ठीक है। देखेंगे कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ इंक्रीज होगी तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा इस टाइप का। दूसरा ग्राफ हमारे पास कंसिडर होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, सेम बात है कि नॉन एक्सिलेशन मतलब वेलोसिटी का चेंज होना, यहां पर फिर वही बात, जो एक्सिलेशन कंसीडर हो रहा है वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो पॉजिटिव एक्सिलेशन के साथ हो रही है, यानी वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन वो कैसे हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म रेट पर बढ़ रही है। दूसरी बात, जो एक्सिलेशन यहां पर हम वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज नहीं कर रहे हैं ठीक है, याद रखना है पॉजिटिव एक्सिलेशन कंसीडर हो रहा है ये नॉन यूनिफॉर्म रेट पर। नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलेशन का मतलब हो गया कि वेलोसिटी का चेंज होना एट द नॉन यूनिफॉर्म रेट, व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस एट द नॉन यूनिफॉर्म रेट, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर जो केस कंसीडर हो रहा है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं एट द नॉन यूनिफॉर्म रेट ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म रेट पर क्या होगी, चेंज होगी, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म रेट पर, तो ऑब्वियसली जो ग्राफ बनेगा इसके लिए वो कर्व लाइन आ जाएगा, ये वेलोसिटी और ये टाइम, वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया ठीक है। वेलोसिटी चेंज होगी आपकी, जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, देखिए इंक्रीज है, इंक्रीज हो रही है, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन कंसीडर हो रहा है, इसलिए लाइन ऊपर की तरफ जाएगी ठीक है, बढ़ रही है वेलोसिटी तो बढ़ रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, उसी कोई फिक्स नहीं है वैल्यू कि इतनी वेलोसिटी के साथ ही आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है फॉर द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक फिक्स पॉइंट, एक फिक्स वेलोसिटी जिससे वो आगे बढ़ रहा है, एक फिक्स वेलोसिटी के साथ ही आगे बढ़ रहा है, सो देर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, दैट इज अ ग्राफ फॉर जीरो एक्सेलरेशन। इस केस में ग्राफ जो आएगा जीरो एक्सेलरेशन का हो जाएगा ठीक है। तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, द ग्राफ विल बी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कैसा कहलाएगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के लिए कहलाएगा ठीक है।
आगे देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन आप देख रहे हैं। यूनिफॉर्म मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ, रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी का डिक्रीज। नाम से पता चल रहा है वेलोसिटी का डिक्रीज होना। व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है हमारी नॉन यूनिफॉर्म रेट पर, यूनिफॉर्म रेट पर डिक्रीज करनी है वेलोसिटी को, दैट इज अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो अब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी लिए, यहाँ टाइम लिया, वेलोसिटी को डिक्रीज करेंगे। तो जब आप वेलोसिटी को डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी को डिक्रीज करेंगे नॉन यूनिफॉर्म रेट पर। यूनिफॉर्म रेट यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ डिक्रीज होगी। माना सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, फिर 10 मीटर पर सेकंड है मान लीजिए, फिर 8 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 6 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड। ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नहीं बनाएंगे, ऊपर से नीचे देख रहे वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है हर बार, ये शो करेगा। नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, इसको अगर मैं कंसीडर करूं तो कैसे कंसीडर करूंगी नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए, कि हमारे पास जो है रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी का डिक्रीज होना नॉन यूनिफॉर्म रेट पर। नॉन यूनिफॉर्म रेट पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है यानी टेढ़ी मेढ़ी आ जाएगी। तो ग्राफ जो होगा इसका, वो आपकी जो वेलोसिटी है नॉन यूनिफॉर्म रेट पर यानी सबसे कम, सबसे ज्यादा है, फिर वेलोसिटी उससे नॉन यूनिफॉर्म रेट पर डिक्रीज हो रही है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा ऐसे नीचे की ओर कर्व लाइन बनेगा, कर्व लाइन ग्राफ होगा जो कि डाउनवर्ड स्लोप के साथ आएगा, ऐसे डाउनवर्ड स्लोप बनेगा इसका। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आती है ग्राफिकल मोशन इक्वेशंस हैं, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस। मोशन की तीन इक्वेशन हमारे पास हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहली इक्वेशन दैट इज अ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, क्या कहलाता है ये, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरा इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज द s मतलब पोजिशन यानी डिस्टेंस, और दैट इज अ टाइम, तो पोजिशन टाइम रिलेशन। थर्ड इक्वेशन इज दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ वी मतलब वेलोसिटी, एस मतलब पोजिशन, पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन, दीज आर द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। हियर वी इज द फाइनल वेलोसिटी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, ए इज द टाइम एंड टी इज द, सॉरी ए इज द एक्सेलरेशन एंड टी इज द टाइम। ठीक है, ये हो गया सारा, और एस इज द पोजिशन और डिस्टेंस है आपकी। ये याद रखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूव कर रहा है, और वो कहता है रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आ गया, टकरा के आया या ब्रेक लगाए, जैसे भी आया, इसका मतलब इस केस में जो वेलोसिटी है वो यू है आपके पास, और वी जीरो ले लेंगे क्योंकि वो रेस्ट में आया, बाद में रेस्ट में आया। मान लो वो कहता है कि रेस्ट से चल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट हुआ रेस्ट से। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि जब कोई चीज रेस्ट से चलना शुरू हो रही है, जब वो रेस्ट से शुरू हुआ, इसका मतलब इस समय यू जीरो है, और जो वेलोसिटी उसने एक्वायर की चलने में, दैट इज द वी, क्या कहलाएगी वो, वी कहलाएगी। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास की अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंका गया है, देखिए इस केस में आप देख रहे हैं, एक बार इधर ध्यान देंगे, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है जो रेस्ट में आ गया है, यानी इसमें रेस्ट में आ गया तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इट मींस इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, जो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी यानी ज्यादा से वैल्यू ज्यादा है उससे कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन इस केस में पॉजिटिव में रहेगा, ये याद रखना, एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी। अब यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, देखिए ज्यादा से वेलोसिटी कम आ रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि रेस्ट से, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना शुरू हुआ है और आगे बढ़ गया, तो ऑब्वियसली रेस्ट में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फिर उसने वेलोसिटी एक्वायर करी, तो उसकी तो वेलोसिटी बढ़ गई है, इंक्रीज हो रही है, और इस केस में एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव में जाएगा क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज हो रही है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जीरो से आगे बढ़ी, तो इट मींस एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। जब एक ऑब्जेक्ट हम न्यूमेरिकल करते समय, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं, जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो v जीरो होता है, यानी जिस वेलोसिटी से आपने फेंका वो u है आपके पास। ठीक है, क्योंकि आप अपोजिट टू ग्रेविटी डाल रहे हैं इस केस में, तो एक्सेलरेशन माइनस में रखना है, माइनस में रखना है, और अपोजिट टू ग्रेविटी जो वैल्यू होती है एक्सेलरेशन की, दैट इज 9.8। ठीक है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटी और ग्रेविटी टुवार्ड्स द ग्रेविटी आप फेंकते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की फिक्स वैल्यू है, या हम कह सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
वे ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को कहता है ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं यानी किस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो जब एक ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो यू जीरो हो जाता है। क्या होता है जीरो? यू, जिस वेलोसिटी से आपने फेंका वो वी मानी जाएगी, जिस वेलोसिटी से आपने फेंक रहे हैं। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो यानी वो वी है, वो आपने वी दिया उसको वेलोसिटी है, लेकिन जब वो नीचे आके टकराएगा वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी यानी यू जीरो हो जाएगा। ये याद रखना है, जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो उसकी यू जीरो होता है। ठीक है, और अब इस केस में अपोज टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहा है तो दैट आंसर जो एक्सेलरेशन किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में काउंट होगा, सेम पॉजिटिव वैल्यू काउंट होगी एक्सेलरेशन की, क्योंकि बिकॉज क्योंकि वो किस में आ रहा है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम न्यूमेरिकल में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डेरिवेशंस, डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। डेरिवेशंस हमारे पास तीन, इसमें मैंने आपको बता रखा है ग्राफ कंसीडर करने के लिए। यहां देखेंगे, यहां हम ग्राफ करेंगे, कंसीडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इन विच ए बॉडी हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। इस केस में हमें कुछ ऐसा ग्राफ कंसीडर करना है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो है लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, सो वी कैन से यू इज नॉट टेकन एज जीरो, इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक ग्राफ बनाने का तरीका क्या है कि आपने कुछ इनिशियल पॉइंट ऊपर लेके बनाया, यहां से ये ऑब्जेक्ट इस जगह से मूव करके आगे बढ़ा, कहां तक उसने वेलोसिटी गेन करी, इसके लिए हमने एक परपेंडिकुलर यहां डाला और दूसरा उस पर हमने परपेंडिकुलर इस वाले एक्सिस पर डाला, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, इसको नाम दे दिए सी, ये ओरिजिन यहां से मेन पॉइंट है, दैट इज अ ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड ओ कहलाया, ये ओ सी हो गया। ठीक है, इस पॉइंट से हमने एक और पैरेलल डाल लिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए और इसको बी। ठीक है, ये सी हो गया, इस पॉइंट से बीसी वाले बीसी वाले उस पर क्या कहते हैं जो आपका एक्सिस है बीसी पर हमने एक और परपेंडिकुलर डाला, दैट इज एक दैट इज अ पैरेलल टू ओ सी, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडी, इसका नाम दे दिया एडी। ये टाइम एक्सिस है, टी को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये भी टी को रिप्रेजेंट करेगा, ये ओ ए ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यू को, तो ये इसके पैरेलल है डीसी, तो ये भी यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब उसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर करी, यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की वेलोसिटी है, इसकी फाइनल वेलोसिटी है इस जगह तक की, नीचे से लेके बिल्कुल ऊपर तक की, ये फाइनल वेलोसिटी है, दैट इज कंसीडर्ड एज अ वी, फाइनल वेलोसिटी काउंट होगी, और ये इसके पैरेलल है इसलिए बीसी, तो ये भी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी, पूरी बीसी यहां से लेके ऊपर से लेके नीचे तक की ये पूरी फाइनल वेलोसिटी है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, वी कहलाई। अब देखिए ये पूरा वी है, इतना पोर्शन क्या है हमारे पास यू का है, देख रहे हैं डीसी, ये इतना पोर्शन यू है और ये पूरा क्या है वी, तो ये जो बचा ये चेंज हो गया, वेलोसिटी में चेंज आया, दैट इज कॉल्ड वी माइनस यू। ठीक है, इतने में से ये माइनस कर देंगे तो इतना बचेगा, ये दैट इज द वी माइनस यू। तो हम कह सकते हैं तीनों इक्वेशन में कुछ पॉइंट्स हैं जो कॉमन रखने हैं, यू इज नॉट टेकन एट जीरो, कौन किसके पैरेलल है दिखा रहे हैं, ओ ए देख रहे हैं, ओ ए इज पैरेलल टू डी सी, ये वैल्यू किसके बराबर है, यू के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट है एडी, एडी किसके पैरेलल है, ओसी के, ये किसके वैल्यू टाइम के बराबर है, इसके बाद ओई, ये ओई है, ये किसके पैरेलल है आपके बीसी के पैरेलल, देख रहे हैं बीसी के पैरेलल है, ये किसके बराबर है, वी के बराबर है, ये फाइनल वेलोसिटी है आपके पास वी, इसके बराबर है। फिर नेक्स्ट देखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, तो आप देख रहे हैं जब वेलोसिटी यहां से बढ़ी है तो कितना चेंज आया, चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, ये आपकी इनिशियल है, ये फाइनल, तो ऑब्वियसली चेंज आया वेलोसिटी में, दैट इज कॉल्ड बी माइनस यू, तो आपने लिखा चेंज इन वेलोसिटी बीडी, बीडी इज इक्वल टू हो गया, बीडी का मतलब ये इतना पोर्शन आपको पता चला, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, यानी बीसी माइनस डीसी, तो ये हो गया बीसी माइनस डीसी, चेंज इन वेलोसिटी में आपके पास आया। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं फॉर्मूला लगाएंगे, जब वेलोसिटी में चेंज आता है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया चेंज वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक, तो आपने लिखा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया बीसी माइनस डीसी अपॉन में ओसी टाइम हो गया, इनकी वैल्यू पुट करेंगे, बीसी माइनस डीसी चेंज इन वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड वी माइनस यू अपॉन में हो गया टी टाइम, ओसी पैरेलल है एडी के, टाइम हो गया, इन दोनों क्रॉस मल्टीपल करेंगे और इसको एटी इक्वल टू हो गया वी माइनस यू, और फिर इसके बाद अगला स्टेप ये माइनस का यू है दल ले जाएंगे तो यू प्लस एटी इक्वल टू वी, और इसको हम लिख सकते हैं वी इक्वल टू यू प्लस एटी, इस टाइप से सॉल्व करेंगे। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इस इक्वेशन को देखें ध्यान से देखेंगे, एस का मतलब डिस्टेंस, जब भी हमें एक चीज का याद रखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो देखेंगे जब भी डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो एक ऑब्जेक्ट आसानी से हम बता सकते हैं कितना उसने डिस्टेंस कवर करी, लेकिन अगर हम ग्राफ कंसिडर कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम तो हम कैसे बताएंगे उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर करी, सो वी फाइंड द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रेवल बाय द एरिया ऑक्यूपाइड अंडर द ग्राफ, कि उसने कितना एरिया अंडर कवर किया है। मान लीजिए यहाँ पॉइंट स्टार्ट हो रहा है इस जगह से और वो ऑब्जेक्ट यहां तक आ गया, ठीक है, तो मैं बताऊंगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो इसके लिए कितना यहां तक पहुंचने में उसने कितना टाइम लिया, उसके लिए टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल के कितना एरिया आ रहा है, ये एरिया ट्राइंगल के बराबर है, तो ऑब्वियसली हम ट्राइंगल का फॉर्म लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आप ट्राइंगल का फॉर्म लगाएंगे आप पास जो एरिया निकलेगा दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस की उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। ठीक है, तो अब यहां पर हम कंसिडर करते हैं डेरिवेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पर एस एक डिस्टेंस है इसलिए हम एरिया से काउंट करेंगे तो एरिया निकालेंगे। देखिए यहां पर जो है, अब इस ग्राफ को कंसिडर करते हैं,
हमारे पास ये है ग्राफ, इसे ही इसे करना है। अब यहाँ पर एरिया हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो देख रहे हैं ये साइड और ये साइड, ये ओ ए और ये बी सी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये जो है ओ सी और ए बी ये नॉन पैरेलल, टू साइड पैरेलल टू साइड नॉन पैरेलल, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम काम करेगा। दूसरी बात, अगर हम ये ना लगाए नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग एरिया निकाल के दोनों को प्लस कर देंगे, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ए बी डी एरिया ऑफ ट्राइंगल का निकालेंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी का निकालेंगे। रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ लगाएंगे और ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के दोनों की जो एरियाज निकलेंगे दोनों को प्लस करेंगे, पूरा होल एरिया आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको सम ऑफ ट्रेपेजियम से समझा रही हूँ, ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो आपको दिखाने हैं, कौन किसके पैरेलल है, उसके बाद आपने डिस्टेंस रखी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूरा ओ ए बी सी है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन में टू, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा मैथ में, दो पैरेलल साइड। अब हमारे पास कंसीडर करते हैं दो पैरेलल साइड कौन सी है, इसमें देखते हैं दो पैरेलल साइड है ये और ये, यानी ओ ए प्लस बी सी, मैंने यहाँ लिया ओ ए का देखेंगे, ओ ए प्लस बी सी अपॉन में टू, ठीक है, टू हो गया मल्टीप्लाई हाइट, हाइट मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये एडी के बराबर है या ओ सी के बराबर है, कुछ भी लिख सकते हैं, तो आपने एडी लिख दिया। अब हम इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, डिस्टेंस मतलब एस इज इक्वल टू ओ ए यू है, बी सी की वैल्यू क्या है वी, और मैं टू इंटू एडी किसके इक्विवेलेंट, टाइम के इक्विवेलेंट है, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब यहां देखेंगे हमारे पास फॉर्मूला एस इजल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये प्रूव करना है जिसमें वी नहीं है, तो मुझे वी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, तो वी को रिप्लेस कर देंगे फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, वी इजल टू यू प्लस ए टी रखेंगे, ठीक। अब वी इजल टू यू प्लस ए टी से हम रिप्लेस करेंगे, यू प्लस ए टी की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो मैंने क्या करा देखो, एस इजल टू यू प्लस वी की जगह रख दिया दोबारा से, यू प्लस ए टी इंटू टी अपॉन में टू, यहाँ प्लस करेंगे यू प्लस यू टू यू मल्टीप्लाई टी टू यू टी अपॉन में टू प्लस ए टी मल्टीप्लाई टी ए टी स्क्वायर अपॉन में टू, ऐसे लिख सकते हैं, दो से दो कट गया और आगे आपके पास एस इजल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ गया, ठीक है। सिमिलरली सेम इक्वेशन हम यहाँ थर्ड इक्वेशन हम प्रूव करते हैं, थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या रहती है, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज वर्ड यू स्क्वायर प्लस टू एस, सेम पॉइंट कंसीडर करेंगे कौन किसके इक्विवेलेंट है, और उसके बाद ये देखते हैं पैरेलल छोड़ के सेम पॉइंट लगाएंगे, सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये सब करके आपको देखना है क्या रिप्लेस करना है, फॉर्मूला आपको प्रूव करना है वी स्क्वायर इज वर्ड यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है, ये सब कॉमन डालेंगे और आपको प्रूव करना वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इस इक्वेशन में क्या चीज नहीं है, रिप्लेसमेंट कहाँ करनी है, टी नहीं है तो टी को ही रिप्लेस करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी यहां से निकालेंगे तो यू को माइनस में ले जाएंगे और ए को नीचे ले जाएंगे, ठीक है, आपके पास हो गया टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी इन द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट करते हैं और आपके पास आ गई अब एस इक्वल टू यू प्लस वी, और ये हो गया पुट कर दिया, आप देखेंगे जरा यहाँ पर ये है u प्लस वी अपॉन में टू और t की जगह हो गया v माइनस यू अपॉन में टू, ठीक है, तो ये हो गया हमारा v माइनस यू अपॉन में टू। अब देखिए प्लस वाले को तो लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको माइनस वाले को गलत हो जाए, आंसर अलग हो जाता है क्योंकि चेंज हो जाएंगी वैल्यू, तो आप क्या करेंगे इसको a प्लस वी का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस वी ए माइनस वी, तो मैंने क्या करा यहाँ पे v जो है इसको a मान लिया है a माइनस वी और ये फिर ये a प्लस वी लिख सकते हैं, तो a प्लस वी ए माइनस वी का फॉर्म लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ए क्या है वी है, इसका मतलब यहाँ पर हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में टू ए बनेगा, क्रॉस मल्टीपल में डालेंगे तो हो गया टू ए एस इजल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो आपके पास आ गया ये जो माइनस का है यू ये प्लस में चला जाएगा, इधर हो गया यू स्क्वायर प्लस टू ए एस इजल टू वी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है, ये इस टाइप से आपके पास कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये आपके पास तीन इक्वेशंस हुई हैं, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट पूछ सकते हैं या पर्सनली फोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन सब जानते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म रेट पर मूव करता है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन द सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है एक कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ तब उसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है, लेकिन अगर क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या वो एक्सेलरेशन, अगर वो यूनिफॉर्म रेट पर चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इट मींस कि जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है देखिए हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, देखिए अगर इधर आ जाएगा तो इसकी डायरेक्शन टेंजेंट पाथ शो कर रही है, ये अगर ऐसा मूव कर रहा था इसका टेंजेंट पाथ है, जो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू टेंजेंट पाथ होगी, इसके टेंजेंट पाथ जो बनेगा सर्कल का, ठीक है, उसके होती है, तो यहां पर हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन
चेंज, चाहे मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, सो वी कैन से ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द नॉन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट किससे मूव कर रहा है? नॉन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी क्या हो, चेंज हो रही है. एंड व्हेन वेलोसिटी चेंजेस, सो वी कैन से इट इज सेड टू बी एक्सीलरेटेड, यानी एक ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड माना जाएगा. ये नहीं माना जाएगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूम रहा है, एक वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ घूम रहा है लेकिन हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, सो इट इज सेड टू बी एक्सीलरेटेड. ये नहीं कहा जाएगा कि वो जीरो एक्सीलरेशन में है, ठीक है, इट इज सेड टू बी एक्सीलरेटेड बिकॉज डायरेक्शन यूनिफॉर्म स्पीड है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, डायरेक्शन इज चेंजेस, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, समझ रहे हैं, डायरेक्शन चेंज हो रही है, सो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एक्सीलरेटेड. क्या माना जाएगा? ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड माना जाएगा. ये याद रखना है इस बात के लिए, ये हमारे पॉइंट होते हैं. और जब एक भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए जो वेलोसिटी निकालते हैं, तो देखिए जब एक पॉइंट मान लो इस पॉइंट से चलना शुरू किया और इसी पॉइंट पर वो वापस आ गया, दैट इज इक्वल, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसके लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इन द सर्कुलर पाथ इज इक्विवेलेंट टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज इक्वल टू 2πr अपॉन में टी, ठीक है. ये फॉर्मुला कंसीडर करेंगे. देखिए जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करा, ये ए पॉइंट है, ऐसे घूम के इसी पॉइंट पर वापस आ गया, तो कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी, वेलोसिटी का फॉर्मुला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक. तो यहां पर अगर इस पॉइंट से चल के इसी पॉइंट पर वापस आ गया, इट मींस कि वो उसका डिस्प्लेस, उसका सर्कमफेरेंस है, कितना सर्कमफेरेंस है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2πr, 2πr के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है. तो आपकी सॉरी डिस्टेंस स्पीड यहाँ पर स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ले रहा है ना, सॉरी स्पीड होगी, स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं इन द सर्कुलर पाथ. इन द सर्कुलर पाथ यानी हमारे पास इन द केस ऑफ सर्कुलर पाथ द फॉर्मूला ऑफ स्पीड विल बी 2πr अपॉन में टी. देखिए एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूम रहा है तो किस स्पीड के साथ घूम रहा है, तो क्योंकि स्पीड सर्कुलर पाथ में है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना वो डिस्टेंस कवर करता है, तो डिस्टेंस वो अपने किसके बराबर कवर कर रहा है, सर्कमफेरेंस के बराबर कवर करेगा, तो स्पीड इक्वल टू हो गया सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज इक्वल टू 2πr अपॉन में टाइम, ठीक है. सो वी कैन से यहां पर हो गया, आप देखेंगे द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इन द सर्कुलर पाथ, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चलता है, सर्कुलर पाथ पर मूव करता है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूम रहा है, तो उसका फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है, लेकिन क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो सर्कुलर पाथ के लिए जो डिस्टेंस कवर होती है वो किसके बराबर होती है, इन द केस ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस के बराबर होगी डिवाइडेड बाय टाइम, सो सर्कमफेरेंस दैट इज कॉल्ड 2πr, सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है 2πr डिवाइडेड टाइम, हियर आर इज द रेडियस, क्या होता है आर, रेडियस होता है, ठीक है. तो इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट in the comments. Thank you, have a nice day. And from the next video, I will start the ongoing chapter, tissue, plant tissue. I will consider the ongoing chapter. Thank you and have a nice day.